वेलकम गाइस। तो यार कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने वाला हूँ। अगर आपने आपको पता है कि हमारा जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है वो आ चुका है प्ले स्टोर पर, और बहुत सारे लोगों ने भैया मतलब केवल एक दिन में ही उसके 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके थे। यार बहुत बड़ी बात अपने आप में। वो सच कहें तो एक बहुत बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो मैं आपको उसी के बारे में बताना चाहूँगा कि जो हमारा पहले पबजी था, ग्लोबल वर्जन था या पबजी मोबाइल के आर वर्जन जो भी था, उसका डाटा जो ट्रांसफ़र करना है हमने इस मतलब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में, तो भैया उसकी क्या क्या प्रोसेसेस हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं, वो सारी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए बिना छोड़े पूरा एंड तक देख कर जाना, क्योंकि हाँ, और मैं आपको बता दूँ कि आज लास्ट डेट है, आज 6 जुलाई है, तो भैया लास्ट डेट है डाटा ट्रांसफ़र का। तो वीडियो को जल्दी से देख लो और डाटा ट्रांसफ़र कर लो अगर तुम चाहते हो तो। क्या नुकसान है वो भी मैं बताऊँगा। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी तो देख रहा हूँ, तुमने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा कि मैं अभी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में एंटर हुआ हूँ। भाई वहाँ पे लॉगिन होके आया हूँ, तो वहाँ पे अब तुम्हें चलाओ दिखाते हैं सेटिंग में गए, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद अब तुम देख सकते हो अभी भी ऊपर जहाँ पे फेसबुक का आइकन बना रहता है वहाँ पे अकाउंट ट्रांसफ़र, ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र का ऑप्शन होगा। देखो यहाँ पे मेरे से क्या पूछ रहा है कि क्या आप सच में अपना डाटा ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। तो हमें तो जाहिर सी बात है कराना है, डाटा ट्रांसफ़र कराना है तो हमें यस पे क्लिक करना है, ठीक है। अब जब डाटा ट्रांसफ़र पर यस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये जो प्रोसेस होगी वो भी बहुत बड़ी होने वाली है। तो तुम बस देखो, यहाँ से तुम देखो डाटा ट्रांसफ़र के लिए तुम्हारा फेसबुक से मांग रहा है और ट्विटर से। अगर आप फेसबुक से है, मेरा तो फेसबुक से, मैं फेसबुक से करूँगा। अगर आपका ट्विटर से है तो आप ट्विटर से भी कर सकते हो। फेसबुक पर करने के बाद अब देखो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर शायद मुझे अपना नंबर या पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो भैया जब तक प्राइवेसी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप मतलब मेरे फेसबुक अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हैं, तो भैया मुझे तो जाहिर सी बात है करनी ही है। देख लो हो गया, ठीक है। इसके लिए मुझे यस करना पड़ेगा। मैं आपको ये बता के जब तक एज रहे थोड़ी सी टाइम ले रही है ये, क्योंकि भैया डाटा का प्रॉब्लम है। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि ऐसे ऐसे कॉन्टैक्ट, अगर आप मेरे चैनल पर जाके देखोगे ऐसे ऐसे कॉन्टैक्ट आपको मिलते रहेंगे और आगे भी मिलेंगे। देखो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और ऊपर तुमने देखा है मैसेज क्या लिख के आया था शॉर्ट में, कि मतलब हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली, ठीक है, ट्रांसफ़र हो चुका है, डाटा जो है हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है सक्सेसफुली। लेकिन भैया उसमें टाइम लगता है, आपको भी बता, अभी फेसबुक से मुझे करना है क्योंकि मेरा फेसबुक से है, तो शायद पहले वाला ही था जो हुआ। तो अब उसके बाद क्या प्रोसेस आएगा ये तो आगे जाके ही पता चलेगा। तो मैंने फेसबुक पे टाइप कर दिया है, ठीक है। इसमें भैया टाटा है ना जो ट्रांसफ़र होता है उसमें टाइम लगता है, तो उसमें टाइम लगेगा हो सकता है, क्योंकि अभी तक देख रहे हो कुछ हुआ ही नहीं, स्क्रीन पे कोई बदलाव आ ही नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, अगर इससे नहीं होगा तो फिर कोई और ट्राई, लेकिन यहाँ से शायद हो जाना चाहिए क्योंकि लिखा तो है। और भैया सबको पता है कि डाटा जो है वो धीरे धीरे ही ट्रांसफ़र होगा, वो तो मतलब क्या, तो डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर, डाटा नेट की स्पीड पर। ये देखो स्टार्ट हो गया भैया, ठीक है, बिना बैक किए बिना कुछ और किए स्टार्ट हो गया हमारा। देखो आइकन, अब ध्यान से देखो, पूछ रहा है कि क्या आप 18 साल के हैं, तो भैया 18 साल के हैं, उस पर क्लिक कर दो। अब देखो आगे है मतलब बैटल ग्राउंड का जो नोटिस आता है, ये देखो यार डाटा ट्रांसफ़र हो चुका है, यही मेरी पहली अकाउंट थी, ठीक है, पहली अकाउंट यही है। देख रहा हो कि अभी पहली बात मैं आपको बताऊँ, ये अभी अभी जैसे आपने पैसा खर्च किया ना 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, उसका भी डाटा आपके पास आ गया है। देख रहे हो गॉडज़िला का जो मैंने पेट है, देख रहे हो मेरे साथ, वो मैंने अभी 2 दिन पहले ही ख़रीदा था यार, वो भी आ चुका है। इसका मतलब जो अभी का मतलब डाटा ट्रांसफ़र, और देख रहे हो मेरे सारे आउटफिट जो हैं वो सारी इस समय अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन यार ये सब तो ठीक है, अभी हमें सीज़न देख लेते हैं कि जो सीज़न है हमारा 19 का या रैंकिंग में जो है वो क्या होता है। तो 19 देख रहे हो, सीज़न 19 आपने देखा है, और यहाँ देखो रैंकिंग का। तो मैं आपको ये बता दूँ कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, जो हमारा इस समय प्रेजेंट का जो रैंकिंग है वही केवल दिखा रहा है, उसके पास्ट का जो सीज़न का था वो सारी रैंकिंग नहीं दिखा रहा है। अब पता नहीं क्यों, ये तो नहीं पता, लेकिन भैया यही है तुम्हारा प्रोसेस, ठीक है। तो यार वीडियो को एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना है,